नहमदहू वनसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वज़ाइफ़ ट्यूब के प्यारे सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे, और दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम उलझनों को, परेशानियों को और बीमारियों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा कर आपके रिज़्क़ के हलाल, कारोबार, मुलाज़मत और जॉब में खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, कई मरतबा ऐसा होता है कि इंसान को अचानक रकम और पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे साथ भी कभी कितनी मरतबा ऐसा हुआ है, अचानक रकम की ज़रूरत पड़ गई, पैसों की ज़रूरत पड़ गई। आपके साथ भी कई दफ़ा हुआ होगा, अचानक कोई बीमार पड़ जाता है, मेहमान आ जाते हैं कि शादी ब्याह आ जाता है, ठीक है। कितनी सूरतें ऐसी होती हैं कि बंदों को रकम की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं आपको एक अमल और वजीफ़ा बताता हूँ। आपको जितनी रकम और पैसों की ज़रूरत हो, अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से उसका बंदोबस्त बना देंगे और उसके लिए असबाब पैदा फरमा देंगे। अमल और वजीफ़ा आपने फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान करना है। याद रखें, मेरे तमाम वज़ाइफ़ उस शख्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं जो पांच वक्ती नमाज का अहतमाम करने वाला हो। ऐसे ही ज़िंदगी की तमाम उलझनों के लिए हर नमाज के बाद या हर फ़र्ज नमाज के बाद अव्वल आहर एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ सात मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने की आदत डालें ज़िंदगी भर। सामीन व नाज़रीन, अमल और वजीफ़े से कबल मेरी आपकी खिदमत में सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरे चैनल वज़ाइफ़ ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अमल और वजीफ़ा ये है कि फजर की नमाज के लिए आप उठे, बेदार हुए, वज़ू किया, दो रकात सुन्नत जो आप अदा करते हैं, चाहे घर में अदा करें या मस्जिद में अदा करें, ख़वातीन चूँकि घर में पढ़ती हैं। उसके बाद आपने ग्यारह मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, ये या फ़क़त आप ये पढ़ें सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ग्यारह मरतबा आपने ये पढ़ना है। और ग्यारह मरतबा आपने अम्मा पारे की सूरह अल हुमज़ा, वैलुल कुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्दा يحسب أن ما له أخلد آخر تک، یہ صورت ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت گیارہ مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اول آخر ایک تین پانچ سات مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد گھر میں ہیں تو فرائض ادا کریں، مسجد میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ عمل دوبارہ سن لیں، یہ عمل آپ نے ایمرجنسی جب رقم کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے उसके लिए करना है। सिर्फ 11 दिन करें, 21 दिन तक करते रहें बस। फजर की दो सुन्नतें अदा करें, उसके बाद 11 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह ये पढ़ लें। अगर ये नहीं पढ़ सकते, फ़कत सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ें। उसके बाद 11 मरतबा अम्मा पारे के आखिर में जो सूरह अल हुमज़ा आती है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्दा, ये सूरत आपने पढ़नी है बस 11 मरतबा अव्वल आहर एक तीन पाँच सात मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद फ़राइज़ अदा करें और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ मांगें। अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए असबाब पैदा फरमा देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल वज़ाइफ़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।